मुरादाबाद में कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने दफ्तरों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सुबह प्रभात फेरी के साथ शुरुआत हुई। ध्वजारोहण के दौरान कमिश्नर दफ्तर पर पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मंडलायुक्त अंजनी सिंह ने कहा कि देश को आजाद कराने में हमारे देश के सपूतों ने जो बलिदान दिया है वे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करें। हम जिस पद पर हैं उस पद पर रहते हुए अपने दायित्व को निभाएं। सरकारी सेवक भी समाज सेवा में अपना योगदान दें। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में हम प्रवेश कर गए हैं। तमाम उतार चढ़ाव देखे, आज़ादी जिस वर्ष मिली वे कितने अथक प्रयासों से मिली। तमाम लोग शहीद हुए, उन लोगों ने योगदान दिया, उन सबको हम शत शत नमन करते हैं। कलेक्ट्रेट में सभी अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, गोपी किशन, नावेद सिद्दीकी, मंजुला सक्सेना, अनुराग गुप्ता समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। शहीद स्मारकों पर भी कार्यक्रम हुए। नवाब मज्जू खां की मजार पर चादर पोशी की गई। शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने मजिस्ट्रेट घर घर जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से इस बार कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया।